चलिए आज बनाते हैं हेल्दी एंड टेस्टी पालक के चिल्ले। पहले इसके लिए पहले लेंगे आटा, फिर बेसन, फिर एक चम्मच नमक, और उसमें डालेंगे एक ग्लास पानी, और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कुछ भी लम्स ना रह जाए उसमें। अच्छे से इस तरह मिक्स करेंगे, फिर इसमें और थोड़ा सा पानी डाल के बैटर को ढीला करेंगे। फिर इसमें ग्रीन चिली डालेंगे, और फिर ये पालक के पत्ते को छोटा छोटा काट के डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए ऐसे मिक्स करेंगे अच्छे से, और थोड़ा सा बैटर अब गाढ़ा हो गया है तो उसको पतला करेंगे, और थोड़ी सी धनिया डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के बैटर को ढीला करेंगे और एक प्रॉपर बैटर बना लेंगे। फिर उसको तवे पे अच्छे से फैला लेंगे धीरे धीरे, पतला सा पतला पतला कोशिश करेंगे फैलाने की। आसपास से तेल डाल देंगे ताकि चाड़ने में दिक्कत ना हो उसको। देखिए हमने अच्छे से तेल लगा दिया है, अब ये धीरे धीरे पकना शुरू हो जाएगा। अब ये जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इसको पकाएंगे। देखिए थोड़ा सा पटा के ट्राई कर लेंगे, इसको देख लेंगे कि पका कि नहीं। देखिए कितना अच्छे से पक गया है ये। अब इस पर तेल लगा देंगे और दूसरी साइड से फिर से पलटाएंगे। देखिए अभी किनारे किनारे थोड़ा सा वैसा रह गया है, कच्चा रह गया है, इसको फिर से पलटा के और अच्छे से पकाएंगे। देखिए बनके बिल्कुल तैयार रेडी है, आप इसको ट्राई कीजिए।